एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई एम योर टीचर पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से क्लासिफाइड सबमिशन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। इस क्लासिफाइड सबमिशन को करके आप अपनी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लासिफाइड सबमिशन को करने से आपको क्या फायदा हो सकता है या इसके बेनिफिट्स क्या है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, साथ ही प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से क्लासिफाइड सबमिशन करने वाले हैं अपनी वेबसाइट के लिए ताकि हम अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए क्लासिफाइड सबमिशन करने वाले हैं। वैसे तो ये जो हम सबमिशन करने जा रहे हैं ये हमारा ऑफ पेज एसईओ के अंदर आता है। अगर आप ऑफ पेज एसईओ के और टेक्निक्स को जानना चाहते हैं तो आप इस मेरी वेबसाइट पर आई एम योर टीचर पर आ सकते हैं और आप यहाँ पर सर्च करेंगे ऑफ पेज एसईओ। आपको सबसे पहला जो आर्टिकल मिलेगा यहाँ पर वो ऑफ पेज एसईओ से ही रिलेटेड मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी ऑफ पेज एसईओ पे करने के लिए जो एक्टिविटीज होती है वो देखने को मिलेगी। इसमें सोशल बुकमार्किंग, आर्टिकल सबमिशन, सर्च इंजन सबमिशन, पीडीएफ सबमिशन, इमेज सबमिशन, क्लासिफाइड पीडीएफ डायरेक्टरी एंड क्लासिफाइड, इस तरीके से बहुत सारी सबमिशंस इसमें मैंने बता रखा है अच्छे तरीके से। हम जो क्लासिफाइड सबमिशन करते हैं इसको करने से कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको करने से हमारे को बेनिफिट क्या होने वाला है। अगर आप क्लासिफाइड सबमिशन करते हैं तो आपको जो बेनिफिट होने वाला है, सबसे पहला है कि आपको एक बैकलिंक जनरेट होके आपको आपकी वेबसाइट की ओर पॉइंट कर देगा। दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि आप जिस एरिया में सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं उसके अलावा जो आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट है वो लिमिटलेस यानी कि कंट्रीज या स्टेट्स में प्रमोट हो सकता है, यानी कि कोई बाउंड्री या कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होंगी आपके प्रमोशन की। थर्ड जो बेनिफिट आता है उससे जो बेनिफिट होगा उससे ये क्या है कि आप इससे प्रॉफिट बहुत बढ़िया अर्न कर सकते हैं अगर आपका एड सही तरीके से परफॉर्म कर जाता है तो, क्योंकि इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है यानी कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है तो ये बहुत सारे स्टेट्स को कवर कर लेगा या आपके बहुत सारे कंट्रीज को कवर कर लेगा। फोर्थ बेनिफिट इसका क्या है कि एक तरीके से ये आपकी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक भी जनरेट कर देगा, यानी कि आप जिस वेबसाइट पर क्लासिफाइड सबमिशन करते हैं वहां से आपकी वेबसाइट की ओर बहुत सारी जो लिंक्स हैं या यूजर्स हैं वो आ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर आपकी जो वेबसाइट है उस पर बहुत सारे कस्टमर भी आएंगे, जब आपके वेबसाइट पर बहुत सारा ट्रैफिक होगा तो बहुत सारे कस्टमर्स भी होंगे। और सिक्स्थ बेनिफिट ये है कि ये कॉस्ट एफिशिएंट अप्रोच है, यानी कि आपको कम से कम बजट में, या तो आप फ्री में भी कर सकते हैं या आप अगर थोड़ा सा बजट भी इस पे लगाते हैं तो आपको ये काफी बढ़िया परफॉर्म करके दिखा देगा। तो ये तो हो गए क्लासिफाइड सबमिशन के कुछ बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक क्या हैं। देखिए हर चीज के कुछ ना कुछ फायदे और ड्रॉबैक्स तो जरूर होते हैं, तो इसीलिए हम इस क्लासिफाइड सबमिशन के जो ड्रॉबैक्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहला इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर आप क्लासिफाइड सबमिशन करते हैं किसी वेबसाइट पर तो उसको टाइम टू टाइम उसको रिन्यू भी करना पड़ता है। कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपकी सर्विस या जो अभी आपका प्रोडक्ट है उसको 2 या 3 महीने के लिए आपकी अपनी वेबसाइट पर रखते हैं और उसके बाद उसे डिलीट कर देते हैं या उसे दोबारा से आपको खुद से रिन्यू करना पड़ता है। और एक और ड्रॉबैक ये है कि कुछ कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो वो आपने जो क्लासिफाइड ऐड डाला है उसको टोटली डिलीट कर देती हैं, आपको एक ब्रांड न्यू ऐड वहां पर क्रिएट करना पड़ता है जाके। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम क्लासिफाइड सबमिशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए क्या या क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको क्लासिफाइड सबमिशन करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए जिस सर्विस या जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड एक अट्रैक्टिव या कैची टाइटल, उस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन, उसकी इमेज और वो जो भी सर्विस है, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे वो सर्विस है, उसका यूआरएल, आप किस एरिया में सर्व करते हैं वहां का एड्रेस, मोबाइल नंबर और उससे रिलेटेड इमेजेस अगर वो प्रोडक्ट है तो। ये सब तो हमने देख लिया क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है। अब हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से क्लासिफाइड सबमिशन को करने वाले हैं। तो क्लासिफाइड को सबमिशन को करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको तो चाहिए होंगी कुछ वेबसाइट्स, तो उन वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए आप जा सकते हैं गूगल पे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे क्लासिफाइड सबमिशन साइट। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी, आप इनमें से किसी पर भी किसी भी लिस्ट को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी जो वेबसाइट पे
या इनकी वेबसाइट पर अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ कुछ जो क्लासिफाइड सबमिशन की साइट्स हैं, इनमें से मैं आपको तीन पे आपको करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेजेस ले लेता हूँ। तो मैं आपको जो वेबसाइट्स बताने वाला हूँ क्लासिफाइड सबमिशन के लिए, उसमें मैं आपको सिर्फ तीन वेबसाइट्स पर करके दिखा रहा हूँ। सेम प्रोसीजर आपको करना है क्लासिफाइड सबमिशन को सबमिट करने के लिए। तो सबसे पहली जो साइट है वो है हमारी लोकेंटो। हम लोकेंटो पे जाएंगे और यहाँ पर हम रजिस्टर करेंगे। अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो आप अपने ऐड को यहाँ पर मेंटेन या मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एक बार ऐड क्रिएट कर दी तो आप उसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो मैं प्रिफर करूंगा कि आप यहाँ पर आके अपना अकाउंट बनाएं या रजिस्टर करें। हमने रजिस्टर कर रखा है, लॉगिन भी कर रखा है। तो उसके बाद हम क्लिक करते हैं पोस्ट ऐड फ्री पे। इसके बाद जो हमने टाइटल ले रखा है वो टाइटल हम यहाँ से लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। हमने टाइटल यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद प्रोसीड करते हैं, आपकी कौन सी कैटेगरी है, जो भी सर्विस है या प्रोडक्ट है आप उस पर क्लिक करेंगे। आप उस सर्विस से रिलेटेड जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है आप वो डालेंगे। अगर आपके पास उस सर्विस से रिलेटेड इमेजेस हैं तो आप उस इमेजेस को भी यहाँ डालिए। उस सर्विस से रिलेटेड जो भी URL है आप वो यहाँ दे सकते हैं। हमने वेबसाइट में यहाँ URL दे दिया। और जो भी फोन नंबर है आपका, जो फोन नंबर आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं आप वो यहाँ दे सकते हैं। तो हमने यहाँ नया फोन नंबर भी डाल देते हैं। इसके बाद जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ फिल कर देंगे। हमने यहाँ एड्रेस फिल कर दिया है। और इसके बाद हम क्लिक करते हैं पोस्ट योर ऐड। एक चीज का ध्यान रखें कि आपका ऐड यहाँ पर 42 डेज के लिए लाइव होने वाला है। किस पे? लोकेंटो पे। अगर आप यहाँ पर सबमिट करते हैं तो हमने पोस्ट योर ऐड पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा पेड लेना चाहते हैं तो पेड भी यूज कर सकते हैं। हम सीधा प्रोसीड कर देते हैं 0 पेमेंट के साथ और हमारा जो ऐड है वो थोड़ी देर में लाइव हो जाएगा। आपका जो क्लासिफाइड सबमिशन है वो लाइव हो जाएगा किस URL पे, आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाएगा। आप इस पे URL पे क्लिक करेंगे, आपका ये URL यहाँ पर जाके हो गया है सेव। अब आप इसको चाहे तो शेयर कर सकते हैं या इसको आप सेव करके रख सकते हैं अपनी जिस भी शीट में आप इसको मेंटेन करके रखते हैं। अगर आप वो शीट या जो फॉर्मेट है वो लेना चाहते हैं तो मैंने सोशल बुक मार्किंग रिलेटेड जो शीट है हमारी गूगल शीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नए वेबसाइट पर जो कि है अडिक्स करके। अब इस पे हम सबमिट करने वाले हैं। तो सेम इसी तरीके से आपको बस लॉगिन करना है। तो हमने लॉगिन कर लिया है। अब हम क्लिक करते हैं पब्लिश ऐड पे। आप पब्लिश ऐड पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछता है किस कैटेगरी या सर्विस को आप प्रमोट करना चाहते हैं। तो हमने सर्विस पे क्लिक कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर आपको सब कैटेगरी भी चूज करनी पड़ेगी। अगर आपकी वो सर्विस यहाँ लिस्ट नहीं है तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप जाएंगे, जो आपका टाइटल है वो कॉपी कर लिया होगा आपने। हम यहाँ पर टाइटल डाल देंगे। किस एरिया में है आप वो एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। किस सिटी में है वो भी कर लेंगे। आप यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपका एड का डिस्क्रिप्शन है आप वो यहाँ पर डालेंगे। अगर आप कॉन्टैक्ट नेम देना चाहते हैं कोई, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नेम दे सकते हैं। अगर आप फोन नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फोन नंबर भी दे सकते हैं। आपको यहाँ पर फोन नंबर डाल देना चाहिए। हमने यहाँ फोन नंबर डाल दिया है। हम वेरीफाई यहाँ जो हमारा रोबोट है कर देते हैं, आई एम नॉट रोबोट। इसके बाद हम पब्लिश ऐड पे क्लिक कर देते हैं। हमने अपने ऐड को यहाँ सक्सेसफुली पब्लिश कर दिया है और हमारा ऐड कुछ टाइम के बाद एक्टिव भी हो जाएगा। आपको आपके मेल पे कंफर्मेशन आई होगी उस ऐड को एक्टिव करने के लिए, आप वहां से उसको क्लिक करके कंफर्म कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नए क्लासिफाइड सबमिशन साइट पे जो कि है हमारा classifiedads.com पे। हम इस पे आते हैं। सेम इसी तरीके से हमको करना क्या है, पोस्ट एंड ऐड पे क्लिक करना है। रजिस्टर कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद हम आते हैं। सेम इसी तरीके से सबसे पहले वो आपसे पूछेगा आप किस कैटेगरी पे या सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमने वो यहां सेलेक्ट कर लिया। अगर आपकी वो सर्विस या जो भी आपकी कैटेगरी है तो आप वहाँ डाल दीजिए, नहीं है तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। हमने लोकेशन सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद हम जो टाइटल है हमारा उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जाके टाइटल को प्लेस कर देते हैं। आप कोई प्राइस लेना चाहते हैं या बताना चाहते हैं आप वो प्राइस भी यहाँ डाल सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन लेंगे और डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और आप चाहे तो अपने URL को भी यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आप एंकर टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एंकर टेक्स्ट भी जनरेट कर देते हैं। हमने जनरेट कर लिया है यहाँ एंकर टेक्स्ट। क्या नाम या किस नाम से या किस नंबर से आप करना चाहते हैं आप वो कर लेंगे। हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। हम कैप्चा फिल कर देते हैं। कोई इमेज है तो हम यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम पोस्ट दिस एड पे क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा जो एड है वो यहाँ पर सक्सेसफुली पब्लिश हो चुका है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप समझ पाए होंगे कि आप किस तरीके से क्लासिफाइड ऐड को पोस्ट कर सकते हैं दूसरों की वेबसाइट्स पर। अगर आप जानना चाहते हैं आप सोशल बुक मार्किंग किस तरीके से कर सकते हैं, उसको करने से क्या क्या फायदे होंगे, तो आप उसके लिए ऊपर आई बटन पर दिया हुआ है वीडियो, आप उसको चेक कर सकते हैं।
इस वीडियो को देखते हुए आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो या किसी चीज़ में कोई दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उस परेशानी का सोल्यूशन देने की। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।